किसी ने सच कहा है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यूपी के एक सांसद की घुड़की से पानी मांगने वाले राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा तो रद्द कर दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं की हिफाजत की दुहाई देकर महान बनने की कोशिश भी करते नजर आए। मनसे नेता राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या आने का ऐलान किया था, लेकिन उनके ऐलान के बाद से ही यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में दाखिल न होने की धमकी दे दी थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर राज ठाकरे को चेतावनी दी थी कि पहले वह उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, फिर अयोध्या की सीमा में दाखिल हों। उसके बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरे यूपी में घूम घूम कर ऐसे माहौल तैयार कर दिया कि अगर राज ठाकरे अयोध्या की सीमा में दाखिल होते तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। सांसद राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बगैर यूपी की सीमा में घुसने न देने की लगातार चुनौती दे रहे थे। राज ठाकरे ने भी हालातों को समझ लिया था कि अगर वो अयोध्या गए तो स्थिति अच्छी नहीं होने जा रही, इसीलिए उन्होंने अयोध्या दौरे को कैंसिल करने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे ही राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को रद्द करने का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी ट्वीट कर चुटकी ली। मुंबई के उत्तर भारतीय समाज से माफी मांगने के डर से राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा रद्द कर दिया। पापों का प्रायश्चित करना एक समृद्ध हिंदू परंपरा है, हिंदू नेता उस परंपरा को भी भूल गए या अयोध्या की तरह हिंदुत्व का मुद्दा भी छोड़ देंगे? बेहतर होगा कि नकल की उम्र छोटी होती है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि अयोध्या दौरे को रद्द करने को लेकर ठाकरे ने क्या कहा। जो कारण राज ठाकरे ने बताया, वाकई उसे सुनकर हंसी आती है। सुनिए, अयोध्या न आने के पीछे राज ठाकरे ने कौन कौन से कारण बताए। कारण नंबर 1, अगर वह अयोध्या जाते उनके लाखों समर्थक उनके साथ अयोध्या पहुंचते। अगर वह विरोध करते तो उसका प्रतिवाद हमारे कार्यकर्ता भी करते। उसके बाद वहां जो होता उसे कोई नहीं रोक पाता। मेरे लिए मेरे कार्यकर्ताओं की जान की कीमत सबसे ज्यादा है, उनकी चिंता मुझे सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने अपना अयोध्या दौरा रद्द कर दिया। कारण नंबर 2, हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसने की तैयारी थी। अगर वह अयोध्या जाते तो उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते, उसके बाद मुंबई में उन्हें जेल में ठूस दिया जाता, जिससे चुनाव के वक्त उनके साथ कोई कार्यकर्ता ही नहीं रह पाता, इसलिए उन्होंने अयोध्या न जाने में ही भलाई समझी। कारण नंबर 3, मेरी कमर की सर्जरी होने वाली है, डॉक्टरों ने कहीं बाहर यात्रा न करने की सलाह दी है, इसलिए मैंने अयोध्या की यात्रा कैंसिल कर दी। इन 3 कारणों से बिल्कुल साफ हो गया कि अपने घर मुंबई में बैठकर उत्तर भारतीयों पर हमले करने वाले, उन्हें बेइज्जत करने वाले, अपने आप को शेर समझने वाले राज ठाकरे की हैसियत क्या है। एक रेसलर पॉलिटिशियन की एक धमकी से कैसे शेर समझने वाला राज ठाकरे मेमना बन गया, यह बयान उसकी तस्दीक है। अब जैसे ही राज ठाकरे का बयान आया तो भला ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे चुप रहते। उन्होंने फिर से कह दिया, अयोध्या में आने से किसी को मना नहीं है, लेकिन अगर रामलला के दर्शन करना है तो पहले प्रभु राम के वंशजों से, जिनका आपने अपमान किया है, जिन्हें आपने मारा पीटा है, पहले उनसे माफी मांगो, तब अयोध्या। सबसे पहले अपराधी इस तरीके का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है राज ठाकरे। और हमारा मानना है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अब हिंदू नेता बनना चाहते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो हम सब राम के ही वंशज हैं और उनको उन्होंने बेइज्जत किया है, पीटने का काम किया है, तो माफी मांगे तभी आ सकते हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए अयोध्या से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।